वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन विद हामिद नकवी। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आज से कुछ अरसा पहले हमने दो वीडियोस की थी और वो उनका उन्वान था कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। उसमें हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिस्कस किया था और हमने बताया था कि यह क्या होती है, इसकी सब कैटेगरीज क्या हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, और साथ ही हर एक की करेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी। लेकिन इस हद तक जानना काफ़ी नहीं है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की को एसेस हम कैसे कर सकते हैं? ये तो शायद एक आम आदमी भी कहे कि ये बच्चा ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो उसकी डिसेबिलिटी की नेचर क्या है और उसका लेवल क्या है, इसको हमने साइंटिफिक तरीके से कैसे इसका जो है एनालिसिस करना है और असेसमेंट करनी है, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद करा दूं कि इसकी डेफिनीशन क्या है, क्योंकि इसकी डेफिनीशन से ही हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने इसको असेस कैसे करना है। जी, तो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो अमेरिकन कांग्रेस ने पास किया था, उसने मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन इन अल्फाज में की। मेंटल रिटार्डेशन मींस सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कंकरेंटली विद डेफिसिट्स इन अडॉप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डिवेलपमेंटल पीरियड। तीन चीज़ें अहम है जी। पहली ये है कि जो भी मुतलका बच्चा होगा वो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज होगा जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, और दूसरी बात वो अडेप्टिव बिहेवियर्स में भी डेफिसिट होगा, और ये दोनों निशानियाँ हमें उसके डेवलपमेंट पीरियड के दौरान जो है सामने आएंगी जो 18 साल तक होते हैं। एक और डेफिनेशन मोतबर अदारे की, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज, द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज significant limitation both in intellectual functioning and adaptive behavior which covers many everyday social and practical skills. The disability originates before the age of 18. wahi baat dusre alfaz mein kahi gayi hai, yahan bhi zikr ye kiya gaya hai ki kam az kam do cheezon mein wo sab normal hona chahiye, kam az kam do cheezon mein, khali ye nahi hai ki उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है ना सब नॉर्मल हो सिग्निफिकेंटली, बल्कि उसका अडेप्टिव बिहेवियर भी जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो। और ये जो निशानियां जैसे पिछली डेफिनेशन ने कहा 18 साल से पहले जो है ना ये सिम्टम या निशानियां नज़र आ जानी शुरू हो जानी चाहिए। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है और अडेप्टिव बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। General intellectual functioning is measured by an intelligence test. Persons with mental retardation usually score 70 or below on such test. So, बहुत सीधी साधी बात बजाया नजर आती है कि intellectual functioning जो है उसको हम मापते हैं IQ level से, कितना IQ level है, और स्टैंडर्ड अगर 70 से कम होगा तो वो मेंटल रिटार्डेड होगा। यहाँ मैं वाजह करता जाऊँ कि ये इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और मेंटल रिटार्डेशन ये जो है, ये पहले इन बच्चों को मेंटल रिटार्डेड बच्चा कहा जाता था, अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है इनको। सो मेंटल रिटार्डेशन की टर्म्स ने को रिप्लेस कर दिया गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ। अब दूसरा अडैप्टिव बिहेवियर जो दूसरा कीवर्ड था, उसकी डेफिनेशन ये है कि इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मीट सोशल रिक्वायरमेंट ऑफ हिज और हर कम्युनिटी। जैसे जैसे बच्चा जो है दुनिया में
अपनी उम्र का सफर तय करना शुरू करता है, तो जो है ना मुआशरे से, मुआशरे में जिंदा रहने के लिए रोजमर्रा के में जो उसको जरूरत होती है महारतें, वो सीखता चला जाता है। इसलिए जो है ना इसको अडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। तमाम इन महारतों को, ये जो महारतें हैं ये तीन किस्म की हैं मेन इनकी डोमेन्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स। और कंसेप्चुअल स्किल्स में जो बातें आ जाती हैं वो जो वो जुबान सीखता है, वो जो वो पैसे के कॉन्सेप्ट, वक्त के कॉन्सेप्ट और गिनती विनती जो है वो भी कंसेप्चुअल स्किल्स में आ जाती है। और सेल्फ डायरेक्शन, अपने आप को वो जो है ना किस समत में मैंने मूव करना है, क्या करना है, वो अपने आप के ऊपर उसका जो कंट्रोल होता है वो भी कंसेप्चुअल स्किल्स में आ जाता है। और प्रैक्टिकल स्किल्स में जो है ऑक्यूपेशनल स्किल, जो उसने पेशा इख्तियार करना है उसके बारे में महारतें, हेल्थ केयर, अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखना और उसको ख्याल रखना, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, मूव करना, और फिर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का जो है ना ख्याल करना, और रकम जो है उसका उसको अंदाजा हो, ये 100 का नोट है, 50 का है, वगैरह वगैरह, 1000 का, 5000 का, उसका इस्तेमाल करने का उसको जो है ना ढंग आना, और फिर इस टेलीफोन का इस्तेमाल। सोशल स्किल्स में जो है वो बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स और सोशल स्किल जो है ना, वो उनमें एहसास ज़िम्मेदारी, जो उसको किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी दी जाए तो ज़िम्मेदारी ले सके अपनी उम्र के मुताबिक, सेल्फ एस्टीम, इज्जत नफ्स उसमें होना, गुलेबिलिटी और नेविटी, ये सादा पान, भोल पान या जल्दी बेवकूफ़ बन जाना, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई उसको ज़िंदगी में जो मसाइल आते रहते हैं कदम कदम पे रोज़मर्रा में, उनमें अपने आप को जो है ना उसमें से निकाल लेना, और फिर रूल्स को फॉलो करना और कवानीन को एहतराम करना, और बेवकूफ़ न बनना, आसानी से शिकार ना हो जाना लोगों की जो है ना वो जो उसको बेवकूफ़ बनाना चाहें या उसको इस्तेमाल करना चाहें। अब हमने अभी तक हमने देखा कि जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इसके मापने के लिए दो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है प्रिसाइजली, कि एक तो उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का लेवल क्या है, और दूसरा उसके एडेप्टिव बिहेवियर का लेवल क्या है। क्योंकि टॉपिक लंबा है इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, पहला हिस्सा जो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में जो है वो पहली बात है इंटेलिजेंस, इसलिए कि पीछे हमने जिक्र किया इसका कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को मापा जाता है आईक्यू से। IQ stands for intelligent quotient. So what is intelligence? Intelligence जो है वो Latin के word intelligere से निकला है, जिसका मतलब है to understand. और intelligent की जो बाज़ाब्ता तारीफ है वो Wessler ने की है इन अल्फाज में, intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to think rationally, to act purposely, and to deal effectively with the environment. ये इंटेलिजेंस की तारीफ वेस्लर ने की, वैसे तो इंटेलिजेंस की बेशुमार तारीफें हैं। अब नेचर ऑफ इंटेलिजेंस थोड़ा सा हम मजीद इसको एक्सप्लेन करें इंटेलिजेंस को, इट इज एन इनेट मेंटल एबिलिटी विच ग्रोज एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द एनवायरमेंट। इंटेलिजेंस ऐसी क्वालिटी है जो आपको जीन्स में भी मिलती है और फिर एनवायरनमेंट में भी इसका असर होता है इंटेलिजेंस की बढ़ोतरी में। परसेंटेज क्या है, कितने जीन्स में इंटेलिजेंस आती है और कितना एनवायरनमेंट पे, इस पे साइकोलॉजिस्ट का इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन इतना तय है कि इंटेलिजेंस जो है वो जीन्स में भी है और हेरिडिटी भी है और एनवायरनमेंट में से भी इसमें इम्प्रूवमेंट होती है।
or it shows the capacity to do, to adapt to new situation quickly and correctly. जो है उसको और फिर it shows the capacity to carry on higher mental processes such as reasoning, criticism, rational and judgment. Intelligence वो आपकी सलाहियत है जिसकी मदद से आप हालात वाकयात सूरत हाल में अपने आप को quickly और correctly adjust कर लेते हैं और फिर जो आपकी ज़हनी जो है एक्सरसाइजेज प्रोसेसेस उसमें आप रीज़न आउट करना लॉजिक का इस्तेमाल करना तनकीदी जो है ना जायज़ा लेना और रैशनल होना वाइज होना सही फैसले करना ये इंटेलिजेंस आपको कैपेसिटी सिखाती है. Intelligence, you know, it shows the capacity to observe the relationship and adjust. Samaj mein relationship ka samajhna ki kiska ke saath kya relationship hai aur phir un mein apne aap ko dhalna aur adjust karna. Aur it shows the capacity to learn and solve difficult tasks and problems. Ab intelligence ki types kya hain? इंटेलिजेंस की तीन टाइप बड़ी टाइप्स बताई जाती हैं. एक है कंक्रीट इंटेलिजेंस. दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल फॉर यूजिंग मशीन्स टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. फॉर एग्जांपल ये मैकेनिक इंजीनियर जो अपनी प्रोसेसेस टेक्निकल प्रोसेसेस में जो इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं इसको किसी भी प्रोसेस में इंटेलिजेंस जो इस्तेमाल होती है उसको कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं. दूसरी किस्म की इंटेलिजेंस है सोशल इंटेलिजेंस. इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशंस एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप. पहले इसके ऊपर बात हो चुकी है. और सोशली इंटेलिजेंट पीपल जो हैं वो आमतौर पे वो दोस्त उनके ज़्यादा बन जाते हैं दूसरों के ऊपर वो असरअंदाज होने की उनमें सलाहियत होती है और जैसे कि लीडरान सेल्समैन या डिप्लोमेट्स ये जो इनको दूसरों को इन्फ्लुएंस करना और दूसरों को अपने साथ ले के चलने की इनमें सलाहियतें ज़्यादा होती हैं जो सोशली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. और फिर तीसरी जो है इंटेलिजेंस की किस्म वो है एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस. इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड्स नंबर्स एंड लेटर्स. ठीक है तो इसमें जो है दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड from study of books, literature, etc. अब ये किसी चीज़ को पढ़ना उसको जल्दी से समझ लेना उसको उसके उसको इस्तेमाल में लाना ये जो इंटेलिजेंस की किस्म है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं. टीचर्स लॉयर्स डॉक्टर्स प्रोफेसर्स और जो ज़्यादा इंजीनियर्स पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये सलाहियत ज़्यादा होती है. अच्छा अभी तक हमने ज़िक्र किया था कि जी मुख्तसर जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है. पुराना इसका नाम मेंटल रिटार्डेशन है. इसकी तारीफ हमने की और उसमें बताया कि दो चीज़ें जो है ना इसमें अहम हैं ख़ास तौर पे एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और दूसरी अडेप्टिव बिहेवियर. और ये तीसरी आप कह सकते हैं कि ये 18 साल से पहले ये जो अगर सब नॉर्मेलिटी है तो वो उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं. अब पहली वाली चीज़ वो हम ले कर आगे चले इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को. और हमने कहा कि आज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो आईक्यू जिसका मायार है उसको आईक्यू को अब हम कैसे असेस कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि हम असेस कर सकें कि किसी बंदे का आईक्यू लेवल क्या है. तो आईक्यू लेवल के लिए कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर हैं. मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. Individual test, one individual is tested at a time, and group test, group of individual tested at a time.
सो पहली बात जी इंटेलिजेंस टेस्ट एक बंदे का भी लिया जा सकता है और एक से ज़्यादा का भी बिठा के लिए जा सकता है, लेकिन फिर अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस टेस्ट की नौयत बदल जाएगी। इंडिविजुअल टेस्ट, पहली बात, इंडिविजुअल टेस्ट वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकता है। वर्बल जो होता है उसमें वर्बल दीज टेस्ट मेक यूज ऑफ लैंग्वेज, इसमें जुबान इस्तेमाल होती है, लिखा होता है या बोला जा रहा होता है या दोनों हो रहे होते हैं, और जो जवाब देने वाला होता है उसको भी लैंग्वेज में ही जवाब देना होता है। सो ये पहली जो है ना, अगर इंडिविजुअल टेस्ट हो तो उसमें दो किस्म हैं, वर्बल टेस्ट या नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, नॉन वर्बल टेस्ट जिसमें जुबान का इस्तेमाल ना हो, और वो नॉन वर्बल टेस्ट में दीज टेस्ट इन्वॉल्व सच एक्टिविटीज इन विच द यूज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। The use of language is eliminated from the test content and response expect in given direction. So ये क्या होता है, कुछ तस्वीरें होंगी या कुछ शक्लें होंगी या कुछ images होंगे जिन जिनको ये खास तौर पर non-verbal test वहाँ पर useful होते हैं जहाँ पे जो हमारा test किया जाने वाला बच्चा होता है या फर्द होता है उसको उसकी लैंग्वेज जो है बैरियर ना हो, यानी उसकी लैंग्वेज की कमज़ोरी की वजह से टेस्ट में बायस ना आ जाए, इसलिए हम नॉन वर्बल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिविजुअल टेस्ट जो है, टू इंडिविजुअल टेस्ट स्टैंड आउट इन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, जो हमने तारीखी तौर पर अगर हम देखें तो दो टेस्ट जो हैं ऐसे हैं साइकोलॉजी के लिटरेचर में जो माने जाते हैं और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं 100 साल गुजरने के बावजूद भी। एक है स्टैंडर्ड बीन इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है वेस्टलर वेलर इंटेलिजेंस स्केल्स। हम स्टैंडर्ड बीन इंटेलिजेंस टेस्ट को लेके इसका हम जायजा लेंगे कि इसके जरिए से IQ टेस्ट कैसे किया जाता है। ये इस टेस्ट की इब्तदा जो है ना आज से तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए, 115 साल हो गए। इन द ईयर 1905 टू फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट बीने एंड साइमन डिस्कवर द इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक हो गया जी। उसके बाद 1916 में इसी टेस्ट को जो बीने ने और साइमन ने बनाया था, इसी टेस्ट को बुनियाद बना के जो इसकी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसलिए इसका नाम अब स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट हो गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट बनाया गया और उसको जो है ना वो इम्प्रूव्ड वर्शन था। इन दिस वर्शन टर्मन एडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग IQ यूजिंग द फार्मूला। पहला जो 1905 में टेस्ट बना था उसमें IQ के फार्मूले का जिक्र नहीं था कि इसको मेजर कैसे करते हैं। इसमें एग्जैक्ट प्रिसाइजली एक फार्मूला दिया गया कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका नाम पड़ गया स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड IQ टेस्ट हो गया। और इस जो वर्शन था इसमें क्वेश्चनेयर्स तब्दील होते रहे, डोमेन्स में भी तब्दीली आती रही, लेकिन बेसिकली ब्रॉड आउटलाइन वही रही, इसलिए इसका नाम वही जो है चला आ रहा है स्टैंडर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट, सॉरी स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या है जी, इसमें पांच जो मेन फैक्टर्स हैं कॉग्निटिव एबिलिटी के, उनको जो है वो मापा जाता है, उनको असेस किया जाता है। नंबर 1 फ्लूइडली रीजनिंग, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 क्वांटिटेटिव रीजनिंग, नंबर 4 विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, एंड नंबर 5 वर्किंग मेमोरी। हर एक के ऊपर एक एक स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या है। फ्लूइड रीजनिंग का मतलब ये है, इज द एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन विच नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड।
और एग्जांपल भी साथ आपको दी गई है ताकि जो है ना ये वाजे हो जाए. एन एप्पल इज टू फ्रूट एज सिलरे इज टू जवाब इस फिल इन द ब्लैंक्स होगा और जवाब होगा वेजिटेबल. ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है करेक्ट आंसर. व्हाट इज रॉन्ग विद अ सेंटेंस लाइक आई पुट इंक ऑन माय हेयर ब्रश एंड क्लीन माय टीथ. इसमें क्या गलती है, क्या खराबी है? सो ये इस किस्म के जो सवालात होंगे वो फ्लूइड रीजनिंग के टेस्ट में होंगे और ये भी जो है उसमें क्वेश्चनर की शक्ल में दिए जाएंगे. दूसरा जो था वो था नॉलेज, और नॉलेज इज डिफाइंड एज समवन्स एक्युमुलेटेड स्टॉक ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कमिटेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. एग्जांपल, ए यंग टेस्ट सब्जेक्ट माइट बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन बेसिक ह्यूमन नीड्स. किसी भी जो जिसके टेस्ट किया जा रहा है उसको कहा जाए बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या हैं, या उसका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं. याद रखिएगा सारे टेस्ट जो हैं स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट वो एज अप्रोप्रिएट होते हैं. ये एक बड़ी स्पेसिफिक बात, ज़रूरी बात, अहम बात याद रखने वाली है कि ये नहीं है कि 4 साल वाले बच्चे का टेस्ट 10 साल वाले बच्चे को दिया जाए, या 10 साल वाले बच्चे से जो नॉलेज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम 4 साल वाले को दें और कहें कि उसको नहीं आया. सो हर एज लेवल के एवरेज बच्चे को जो नॉलेज होना चाहिए उसके ऊपर टेस्ट बेस करके उसको दिया जाता है उसकी एज के मुताबिक. क्वांटिटेटिव रीजनिंग मेजर ए पर्सन्स न्यूमेरेसी. क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन कैन इंक्लूड बेसिक काउंटिंग एडिशन सब्सट्रैक्शन. हिसाब के सवाल जी. एट हायर लेवल्स मेजरमेंट ज्योमेट्री एंड वर्ब प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड. ठीक है, अगर सीनियर लेवल है तो उसके ऊपर ज्योमेट्री के भी सवाल डाले जा सकते हैं, लेकिन जूनियर लेवल के ऊपर सिर्फ नंबरों के साथ जो है वो जमा तफरीक ज़रब तकसीम वगैरह के सवालात होते हैं इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शन में. फिर विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व द रिकग्निशन ऑफ बोथ पैटर्न्स एंड स्पेशल रिलेशनशिप. The non-verbal portion of this sub-test usually includes assembling puzzles and patterns. अब पहले भी हमने कहा था कि दो किस्म के टेस्ट हो सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल. ठीक है, वर्बल में जो है वो जिसमें लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, नॉन वर्बल में जिसमें लैंग्वेज नहीं होगी, सिर्फ चीज़ें होंगी जैसे कि कोई पजल हो जाएंगी या कोई पैटर्न हो जाएंगे, उसके हवाले से सवाल होंगे. अब ये पांचवा सेक्शन जो हमने जिक्र किया था, वर्किंग मेमोरी इज डिफाइंड एज द मल्टीपल प्रोसेसेस दैट कैप्चर सॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इन पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमने मेमोरी के ऊपर एक पूरी वीडियो की है जी, व्हाट इज मेमोरी, और फिर हमने कहा था हाउ टू एनहांस मेमोरी. उसमें हमने डिफाइन किया था कि तीन किस्म की मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये उसके जो वर्किंग मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका टेस्ट जो है इसमें उसकी इंटेलिजेंस में शामिल किया गया है, और ये भी पांचवा उसका मेन चंक होता है. अब हम कुछ सवाल जो स्टैंडर्ड बीने, पहले तो एग्जांपल्स को साथ साथ हम देते चले आए हैं, लेकिन उसका एक पैटर्न आपको फील कराने के लिए. Which one of the following designs makes the best comparison? अब ये this design is to this as this is, इनमें से कौन सा ठीक होगा? ये हमने उसके एक सवाल की एक किस्म आपको बताई. अब दो सवाल और भी आप देख लें जी, जो है John, 12 years old, is 3 times as old as his brother. How old will John be when he is twice as old as his brother? In mein se 5 mein se kaun sa theek hai? Usko aapne tick karna hoga. Phir, which one of the 5 makes the best comparison?
brother is to sister, as niece is to mother, daughter, aunt, uncle or nephew. So ये आपको एक सिर्फ उसका pattern बताया जा रहा है Stanford Binet Intelligence Test का. जी अभी हम तकरीबन हमने इस हिस्से को फाइनल कर दिया. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का जो हिस्सा है कि हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हमने एक 20 मिनट से 60 मिनट का टेस्ट होता है ये जो हम लेते हैं. उम्र एज अप्रोप्रिएट टेस्ट, उसमें क्वेश्चनर्स होते हैं. आपको पांच मेन सेक्शंस भी हमने आपको बताए कौन कौन सेक्शंस के हवाले से टेस्ट होते हैं. उसमें आगे सब सेक्शंस होते हैं, उसमें उन्हीं के हिसाब से आगे क्वेश्चंस होते हैं. तो फिर उसका जब हम टोटलिंग करते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा उसका आईक्यू फार्मूला वही इस्तेमाल करते होते हुए क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100. जो जवाब आएगा से अगर जवाब आता है 90 और 110 में फॉल करता है तो हम बता सकते हैं कि जी इसकी इंटेलिजेंस एवरेज है. और इससे ऊपर या नीचे आप देख सकते हैं कि क्या है नॉर्मल अबव एवरेज रेंज ये है, एवरेज रेंज ये है, ये सुपीरियर रेंज में आ रहा है. वेरी सुपीरियर और जीनियस लोग हैं, ये डल हैं, ये बॉर्डर लाइन है. और 70 से नीचे मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी शुरू हो जाती है. अगर 50 और 70 के दरमियान हो तो ये माइल्ड होगी, 35 से 50 हो तो ये मॉडरेट होगी, 20 से 35 हो तो ये सीवियर होगी, और 20 से नीचे ये प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होगी. और याद रखिएगा ये दो में से एक अभी हमारे पास नतीजा सामने आया है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में न सिर्फ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सब नॉर्मल होनी चाहिए सिग्निफिकेंटली, बल्कि साथ एडाप्टिव बिहेवियर में भी डेफिशिएंसी होनी चाहिए. अगली वीडियो में हम अडाप्टिव बिहेवियर की बात करेंगे कि उसको अडाप्टिव बिहेवियर को हम कैसे मापते हैं और एसेस करते हैं, और उसके हमारे पास और उसमें हम एक ज़बरदस्त जो स्केल आया है उसको हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा आप इस चैनल पे आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आइंदा जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.